हाथी दांत की तस्करी कर रहे तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद हाथी दांत की कीमत करीबन 12 लाख रुपए है। पुलिस तस्करों से गहन पूछताछ कर रही है। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग की टीम ने हाथी दांत की तस्करी करते तीन लोगों को धर दबोचा है। पुलिस ने तस्करों के पास से 2 फीट 8 इंच लंबाई का हाथी दांत बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 12 लाख रुपए है। काशीपुर के पास बन्ना खेड़ा स्थित फ्लाईओवर पुल के नीचे एक महिला और दो युवक हाथी दांत की डील कर रहे थे, तभी पुलिस ने हल्द्वानी निवासी आरोपी देवेंद्र सिंह और मनोज वोरा सहित सुखमणि देवी रावत, जो कि चंपावत की बताई जा रही है, को गिरफ्तार किया और थैले से हाथी दांत बरामद किया। तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं और वो वहाँ पे हाथी दांत का किसी व्यक्ति के साथ डीलिंग कर रहा है, जो कि उनकी पूर्व से डीलिंग है, और अगर पुलिस वहाँ पे कार्रवाई करती है तो ऐसे में ये पकड़े जाएंगे। इसी पे पैगा चौक इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जितेंद्र के द्वारा एंबुश लगा करके और एक वाहन बांसखेड़ा जो फ्लाईओवर है उसके नीचे जब रोका गया उनको, तो उसमें दो पुरुष और एक महिला थे। दोनों पुरुष हल्द्वानी के थे और एक महिला जो थी कि चंपावत की थी। इनके पास एक थैला मिला, उस थैले में इन्होंने लगभग 2.5 फीट का एक हाथी दांत इसके हिसाब से रखा था। पूछने पे इनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। वन विभाग की टीम को सूचना देकर के उनको बुलाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनको पकड़ा गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।